सेविंग्स कीजिए पैसा और इधर आइए और नेशनल लेवल पे कम्पीट कीजिए। वेल हेलो दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चा पार्टी, मेला समिति, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे एक नए वीडियो पर। मोटरसाइकिल एंथुसियास्ट है या फिर ट्रैक रेसर है, उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी था और हमको ये मौका मिला फ्रॉम टीवीएस ये चीज अनाउंस करने का कि यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में फॉर द फर्स्ट टाइम टीवीएस का ARE GP वाला इवेंट होने वाला है। और यहाँ पे देखिये ये कितना बढ़िया सा एक ट्रैक है, इसको बोलते हैं वारिसा, और ये है हमारे गुवाहाटी के सोनापुर नामक एरिया में। देख सकते हो इस तरफ लिखा हुआ है टीवीएस रेसिंग, थोड़ा जूम मार देता हूँ मैं, टीवीएस रेसिंग ARE GP अपाची सीरीज, जो सफेद पट्टी वगैरह है ना, यहाँ पे बाइक का पोजीशन होगा। यहाँ से ट्रैक जो है, यहाँ से स्टार्ट करके बाइक पूरा जो ट्रैक है अप टू, मैं दिखा रहा हूँ उधर में दूर में देखिए वहाँ पे जो वाल दिख रहा है ना, वहाँ तक पूरा ये कंप्लीट जो है रेस ट्रैक है। जितने भी हमारे अपाची ऑनर वाले भाई बंधु है उनको ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है टीवीएस के तरफ से। यहाँ पे अगर आप अपना परफॉर्मेंस स्किल दिखा सकते हो, आपका सिलेक्शन जो है आगे जाके मद्रास में यानी चेन्नई में रेस ट्रैक जो है वहाँ पे एक रेस होगा, अच्छा खासा जो प्रोफेशनल रेसर है उनके अंडर में ट्रेनिंग होगा, रिप्रेजेंट कर सकते हो टीवीएस को फ्यूचर में जाके नेशनल लेवल पर। बिग बिग थैंक्स टू टीवीएस रेसिंग एंड टीवीएस अपाची सीरीज सबको इस तरह का मौका देने के लिए नॉर्थ ईस्ट के राइडर्स को। तो फिर आइए दोस्तों, हम लोग अभी थोड़ा ट्रैक का मुआयना करते हैं और आगे बढ़ते हैं इस तरफ। थोड़ा आपको ट्रैक पे कौन सा बाइक्स है जो जिसका यहाँ पे परफॉर्मेंस होने वाला है वो सब थोड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं आपको। बाकी रेस ट्रैक अगर आप इन राउंड गुवाहाटी में रहते हो तो आपको पता होगा ये वाले रेस ट्रैक जो है हाल ही में ओपन हुआ, ज्यादा दिन हुआ नहीं एक्चुअली, तो गो कार्ट का रेसिंग वगैरह यहाँ पे होता है जनरली, कभी कभार होता है। यहाँ पे हमारे लोकल में हमारे शशांक भाई जो प्रोफेशनल रेसर है वो कभी कभार आके अपना सेशन करवाते, तो तब होता है यहाँ पर रेस। बाकी यहाँ पर देख सकते हो टीवीएस का जो ये तंबू लगा के रखे इसके नीचे में, जितने भी बाइक्स वगैरह ये सब सारे टीवीएस ओनर्स के बाइक है जो यहाँ पे अभी थोड़ी देर में रेस करने वाले हैं लोग। यहाँ पे देखो सारा कुछ है, टीवीएस का पुराना अपाची वाला मॉडल है, नया अपाची वाला मॉडल भी है, स्टिकरिंग वगैरह सारा कुछ और नंबरिंग वगैरह सारा कुछ लग चुका है ऑलरेडी, जीपी बोल के और टीवीएस रेसिंग बोल के सारा कुछ नंबरिंग वगैरह लग चुका है। देन मूविंग अहेड, यहाँ पे RTR 160 हो या फिर RTR 200 हो, ये हमारे एक खास मित्र का है, आप ये बोल सकते हो कितना पुराना बाइक है। इसका नंबर प्लेट मैं नहीं दिखाऊंगा या फिर गेस कर लोगे कौन सा सीरीज का है। मैंने जब इंडिया राइड किया था ना 2016 में, भाई हमको रिसीव करने के लिए गए थे, उससे पहले से पहचान है मतलब, तो इसको गेस करना कितना पुराना बाइक है ये। रेस्ट यहाँ पे और ढेर सारा बाइक है, और ये वाला बाइक देखिए गाइस, इसका पूरा एकदम नेकेट करके रखे हैं। क्या होता है कि अभी ट्रैक में जब भी बाइक चलता है, ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन है जो आपको मैं देना चाहता हूँ, ट्रैक में बाइक वगैरह चलता है, बाइक का वेट जितना हल्का हो उतना राइडर को अच्छा होता है ऑनरिंग वगैरह लेने में। प्लस क्या होता है कि अगर इनकेस ऑफ एनी क्रैश, यहाँ पे हेडलाइट वगैरह खोल के रखते हैं कि क्रैश वगैरह होने से दिक्कत ना हो, ये सब जो साइड का फेयरिंग वगैरह है ना सारा कुछ खोल खाल के रखते हैं, क्रैश होने से आपका बाइक का डैमेज ना हो। नॉर्मल सा रूल होता है वही होता है कि मिरर्स वगैरह नहीं होना चाहिए, बैकलाइट जो है ना ये भी नहीं होना चाहिए, हेडलाइट भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल सा ये रूल है रेसिंग में। कि आप अगर ब्रेकिंग करते हो आगे के राइडर को तो पता चली जाएगा भाई कौन से टाइमिंग में ब्रेक कर रहे, राइडर दूसरे राइडर का पूरा राइडिंग पैटर्न को जज कर पाएगा और कॉपी कर पाएगा, तो उस हिसाब से बैकलाइट वगैरह कुछ नहीं रहता है सब में, एंड हेडलाइट भी नहीं रहता है, एकदम नंगा मुंगा बाइक रहता है। तो यहाँ पे सारे 310 वाले बाइक जो है पार्किंग में है, देखिए किस तरह से कॉर्नर ले रहे, देखिए एकदम खतरनाक। ये लोग प्रोफेशनल है जो आए ऑल द वे फ्रॉम मद्रास रेस गाइस। इतना सारा जो 310 है आपको कौन सा वाला पसंद आ रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पहली बार मैंने देखा है फेस टू फेस सामने, क्योंकि गुवाहाटी में अभी अवेलेबल नहीं है स्टिल, घर से किसी ने मंगवाया होगा। जो इवेंट हो रहा है ना इवेंट के लिए भी बाहर में एक है बाइक ऑलरेडी, बट ये एक कस्टमर का है। कॉमेंट सेक्शन में बताना कि ये वाला जो है ना एक्चुअली में ड्यूक किलर है या नहीं है। इसका जो पावर टू वेट रेशियो है काफ़ी अच्छा है, बाइक काफ़ी हल्का है, मैं थोड़ी देर पहले बैठा था, तो आप बताना ये ड्यूक के मुकाबले कैसा है। तो यहाँ में हमारे सवेरा टीवीएस से राजू जी आए थे, राजू जी दिए थे स्टिकर हमें, थैंक यू सो मच राजू भाई। थैंक यू। बाकी जीवन कैसा चल रहा है? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, चलो एंजॉयिंग ना। सो गाइज, यहाँ पे टीवीएस का जो बैनर देख रहे हो आप, लेट मी शो यू, आप आइए थोड़ा मेरे साथ। तो यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले जितने भी बाइक मैंने दिखाया टेंट के नीचे में, सारे राइडर्स का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हुआ था थोड़ी देर पहले। इधर में पूरा टीवीएस का टीम है। हेलो जी, बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास, बहुत ही हेल्पफुल है भाई लोग, काफी हेल्प किए। चलो अब आगे बढ़ते हैं, बाकी का चीजों के बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं आप लोगों को। सो जितने भी राइडर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर चुके हैं ना, ऑल ऑफ देम वेर गेटिंग सम नॉर्मल एडुकेशन रिगार्डिंग द रेसिंग एंड ऑल दैट, बिकॉज थोड़ा सा जानकारी चाहिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में फॉर द फर्स्ट टाइम यू नो इस तरह का रेसिंग इवेंट हो रहा है, तो थोड़ा बहुत जानकारी होने से राइडर्स को अच्छा होता है, क्योंकि काफी सारे नए जो अपाची ओनर्स है उनको इस बारे में नॉलेज नहीं है। अगर नॉलेज अच्छी तरीके से लोगों तक पहुंचे
देन ओनली इसका अवेयरनेस जो है थोड़ा बड़ा होगा और बाहर तक जाएगा। आपको क्लासरूम दिखाते आइए एक बार। ये वाला जो तंबू है इसके अंदर में पूरा अभी प्रॉपर क्लास हो रहा है। और थोड़ी देर पहले जो बताए थे कि इनके तरफ से भी एक TVS का RTR 310 आया है। यहाँ पे रहा बाइक। क्लासरूम में जाने से पहले थोड़ा बहुत बाइक का दिखा देते हैं, तो यहाँ पे बैठ के आपको एक बार जलवा दिखा देते हैं। तो ये देखिए इसका राइडिंग पोस्टर वगैरह कैसा लग रहा है। मेरे को तो प्रॉपर ड्यूक वाला इसमें आ रहा है, सेम टू सेम। मेरे ख्याल से थोड़ा ऐसे झुकना पड़ता है क्या, नहीं तो ऐसा करना पड़ता है ड्यूक में, ऐसा ऐसा हो जाता है। बट इसमें थोड़ा स्ट्रेट है, हाथ पूरा स्ट्रेट रहता है। लॉन्ग टूरिंग के लिए मेरे ख्याल से सही रहने वाला है। बाकी यहाँ पे एक चीज बहुत ही यूनिक है, लेट मी शो यू। इसमें इक्विपमेंट जो है भर भर के, इसके बारे में अगर जानना है, प्रॉपर रिव्यू चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना। और यहाँ पे जो एक्सीलेटर है, जैसे नॉर्मल बाइक क्या आप घुमाओगे ना, इसको देखो थ्रोटल जो है काफी शॉर्ट है, क्विक थ्रोटल बोल के जाता है, उस तरह का यहाँ पे फिनिशिंग है। मेरे ख्याल से गाड़ी ना खाली उछलेगा घोड़ा की तरह। अपाची का जो लोगो है, घोड़ा वाला लोगो, प्रॉपर जस्टिफाई होगा इसमें। विदाउट एनी फर्दर डिले अभी जाते हैं थोड़ा शोरूम, मतलब क्लासरूम के अंदर, आपको दिखाते हैं यहाँ पे किस तरह का क्लास वगैरह चल रहा है। तो आइए कैमरामैन पीछे पीछे मस्त एकदम घुस जाइए यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए इस तरफ, अभी धीरे धीरे बोलना पड़ेगा, अंदर में क्लास चल रहा है। यहाँ पे देखिए पूरा जैकेट वैकेट है, जितने भी राइडर्स आए थे यही से जैकेट लेके, यानी कि राइडिंग गियर्स, प्रॉपर राइडिंग गियर्स भी इनके तरफ से मिल रहा है। भी राइडर है मतलब सबके पास तो राइडिंग जैकेट नहीं है, तो पैंट और इस तरह का राइडिंग जैकेट सब कुछ मिल रहा है TVS की तरफ से। अब देखो खाली हो चुका है, एक पीस ही बचा है। मेरे ख्याल से हमको और कैमरामैन को मिल बांट के इसको पहनना पड़ेगा। एक बार साइज देख लेते हैं, कैमरामैन तो तुम डूब जाएगा इसके अंदर, एक्सेल साइज है। छुप के दिखाते हैं आपको क्या क्लासरूम चल रहा है। जरा देखिए इधर प्रॉपर क्लास वगैरह चल रहा है। सर जी है, सर जी हाय बोल दीजिए एक बार। हेलो, तेरे से सर ब्रीफिंग वगैरह दे रहे थे, थैंक यू सो मच सर। पूरा क्लास चल रहा है, हम लोग का स्टूडेंट कुछ दिखा दो उधर में, जूम मार के एट देम गेट सम एजुकेशन। और हम लोग थोड़ा बाहर जाते हैं अभी। अभी कुछ चीजों के बारे में पूछते हैं, यहाँ बहुत सारे भाई लोग हैं नॉर्थ ईस्ट के तगड़े तगड़े बाइकर्स, उनसे पूछते हैं किस तरह का फीलिंग है उन लोगों का TVS जो ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया यहाँ पर। तो यहाँ पे कुछ हमारे राहुल भाई, यहाँ पे ये जो इवेंट है कैसा लग रहा है, बीइंग ए बाइकर आपको कैसा लग रहा है TVS ने रेस इवेंट जो अभी रखा है? अच्छा लग रहा है, अभी बाद में देखते हैं क्या होता है, बाद में देखते हैं क्या होता है। फिर से होगा, फिर से होगा, फिर से होगा। यमा का होने से ज्यादा अच्छा था। भैया के पास एक्चुअली आरुण भाई थे, यमा की तरफ जरा झुकाव है, यहाँ से खिसकते चलो। अब भैया कैसा लग रहा है ये वाला रेस इवेंट जो हो रहा है यहाँ पर? बहुत मस्त है, बहुत मस्त है। हम तो रेडी, हम तो लाइक वेट कर रहे हैं कि कब स्टार्ट होगा। आप पार्टिसिपेट कर रहे हो क्या? नहीं नहीं, मैं पार्टिसिपेट तो नहीं हूँ, बट नेक्स्ट टाइम श्योर। ये जो रेस इवेंट होने वाला है गुवाहाटी में, एकदम मजेदार बाइकर्स के लिए बहुत अच्छा खबर है कि नहीं? बहुत अच्छा है, सबको एक नया प्लेटफॉर्म मिल गया। डेफिनेटली डेफिनेटली। चलो मूविंग ऑन, इधर में एक छोटे भाई है, भैया कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ना, फर्स्ट टाइम है। देख के अच्छा लग रहा है, मन है खेलने का, देखता हूँ क्या होता है। जरूर जरूर जरूर, डेफिनेटली। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का सेक्शन है, देख के एक बार बात कर लीजिए। तो इधर में तगड़े वाले जो प्रोफेशनल खिलाड़ी लोग है, प्रोफेशनल खिलाड़ी लोग के पास में आता है अभी हम लोग, प्रोफेशनल खिलाड़ी इधर में हमारे ससांग में, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, फर्स्ट टाइम यहाँ पे इतना अच्छा इवेंट हो रहा है, कोई कंपनी इतना सारा इन्वेस्ट कर रहा है, तो अच्छा लग रहा है ऐसा लेवल का इवेंट। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो अभी ससांग भाई के पास में, नॉट ओनली ससांग भाई तगड़े वाले रेसर है, लेकिन ससांग भाई के साथ में तगड़े वाले वुमेन रेसर भी है। इंट्रोडक्शन करवाना है? यस यस डेफिनेटली। प्लीज प्लीज आ जाइए इधर में, कैमरा में फोकस करो, इधर में जल्दी फोकस। तो अपार्ट फ्रॉम ससांग भाई, यहाँ पे एक लेडी बाइकर भी है जो काफी लोगों को इंस्पायर करते हैं, तो इनसे भी बातचीत करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ मैसेज यू वांट टू गिव टू ऑल द लेडी बाइकर्स, यू नो? ट्रैक पे आइए और राइडिंग गियर्स के लिए इन्वेस्ट कीजिए, सेविंग्स कीजिए पैसा, और इधर आइए और नेशनल लेवल पे कम्पीट कीजिए। यहाँ पे ज्यादातर है नहीं, और सिर्फ करना है हम लोगों को। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है। और जो भी लेडी लोग देख रहे हैं, बाइकर लोग देख रहे हैं, बाइकरनी लोग देख रहे हैं, गुड मैसेज टू ऑल ऑफ देम कि आप आइए प्रॉपर राइडिंग गियर्स में इन्वेस्ट कीजिए, और आप भी अपना यू नो दिखाइए यार, दिखाइए, मतलब छुप के मत बैठिए, अंदर से बाहर निकलिए, बिल से बाहर निकलिए, क्या कर रहे हो अब तक, बाहर निकलो, राइट चलो। ओके सो गाइस, हम लोग अभी आ चुके हैं इंस्टाग्राम गैंग में, यहाँ पे इंस्टाग्राम के सारे वायरल लोग हैं। आइए आइए इधर आइए, दिखाइए YT मनोज फैक्ट्री लिमिटेड, इधर में हमारे मनोज भाई है, वायरल बॉय फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया, कुछ बोलना है रिगार्डिंग दिस इवेंट? इवेंट मस्त लग रहे हैं, सब लोग आए एक साथ, अभी अभी चेन्नई से तीन ट्रेनर भी आए, गुगुमाल भी आए, तीन तो भी चलाएगा अभी, वो लोग देखा अच्छा चला है, उन लोगों से भी कुछ सीखने को मिला। रोशी सर जिंदाबाद, रोशी सर जी, ये देखिए ऊपर में देखिए 46 लिख के ले आए भाई, एकदम भाई को फॉलो कर लेना, तगड़े वाले कॉर्नर किंग है, YT मनोज बोल के सर्च कर लेना इंस्टाग्राम पे, ठीक है? अरे सर पढ़ा दी बाकी, ठीक है सर, बोला नेक्स्ट। हेलो हेलो, कैसे हैं? संगीत संगीत, हाय दिस इज अरविंद गणेश, आई एम फ्रॉम चेन्नई। हाय मनोज फ्रॉम चेन्नई। अच्छा, तो जो मैं बोल रहा था, यहाँ पे प्रोफेशनल रेसर्स भी आए हैं जो कि पिछले 7-8 साल से यू नो दे आर रिलेटेड टू द TVS रेसिंग टीम, पूरा ट्रैक में चला रहे थे और लोगों को बता रहे थे किस तरह से मतलब चलाने से सही रहेगा, तो दे आर लाइक प्रोफेशनल राइडर्स।
तो थोड़ी देर पहले वहाँ पे घुघू राइडर सबको मिला दिया था आप लोगों से, यानी कि प्रोफेशनल राइडर, बाकी के सारे लोग यहाँ पे रेडी हो रहे हैं और अभी ट्रैक में रेस शुरू होने वाला है। तो गाइस इस तरह का घटना होता रहता है, ये देखिए गाइस ये क्रैश कर गया बाइक और देखो पूरा हैंडल टेढ़ा हो गया। ये हम बोला यही बाइक था, नंगा मुंगा बाइक जो दिखाया था यही गिर गया, इसका हैंडल टेढ़ा हो गया है और इस तरह का राइड में इस तरह का सीन होता रहता है, तो आप उसी हिसाब से प्रिपेयर होकर आना ही पड़ेगा आपको। आपका अगर लिमिट को बढ़ाना है तो यू नीड टू पुश योरसेल्फ, और उस लिमिट तक जाके फिर उसको क्रॉस करो तभी ज्यादा सीखोगे ना। तो ये सब अगर सोचते हो गिरोगे नहीं चलाओगे ये बात नहीं है भैया, पैशनेट है, आज गिरोगे कल गिरोगे, बाद में जाके जो सीखोगे वो सीखने का बात बड़ा बात है। तो फाइनली भी प्राइस मिलने वाला है, विनर सारा अनाउंसमेंट होने वाला है, देखते हैं कौन है विजेता। 160-180 सीसी कैटेगरी का जो हमारा सेकंड रनर अप है सिद्धार्थ भाई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हमारे जो फर्स्ट रनर अप है वो है राहुल सरकार, थोड़ा ज्यादा जज्बाती हो गया लौंडा। हमारे जो फर्स्ट विनर है ना, मतलब मैं उनकी थोड़ी सी तारीफ करूं, डिसिप्लिन भी थे, उन्होंने टेक्निक जो सुना सीखा कह रहे वो अप्लाई किया बिल्कुल सही पूरा ढंग से, मैंने ऑल द टाइम। अरे ये दादा, हेलो ब्रो जाहिद अब्बास। अरे बाप रे बाप, तकदीर की टोपी मिल गई रे। चेहरा फर जाहिर, चेहरा फर जाहिर गाइस, मेडल चाहिए, टोपी चाहिए। बढ़िया मेडल, मेडल काम रही है, मेडल काम रही है। बोलते हैं ना कि दोस्त जब जीतता है तो खराब लगता है, लेकिन इस बार बहुत अच्छा लग रहा है। ए भाई वीडियो हो रहा है, तुम पत्ता नहीं दे रहे भाई, अभी से है देखो सर्टिफिकेट ग्रुप में आ चुका है। सिरेक्स भाई और निको भाई का मेहरबानी है जी, कोई नहीं, तुम अपना परफॉर्मेंस काबिल है इसलिए जीता है तुम, बाकी तैयार रहो वहाँ पे जाके धमाका करना है, आसाम का नाम रोशन करना है। नाम रोशन करूंगा जरूर जरूर भाई, डिजर्विंग बंदा को मिला, बहुत बढ़िया। अमूल राजा, अच्छा 300 सीसी कैटेगरी का प्राइस चल रहा है, और यहाँ पे हमारे एक और दोस्त है जॉनी, देखते हैं उनका नाम आता है कि नहीं। इधर में थर्ड पोजीशन में फरीद भाई, इधर में कांग्रेचुलेशन फरीद भाई, ये भाई जो है अपना आरटीआर 310 चला रहे थे। कांग्रेचुलेशन, फास्टेस्ट टाइमिंग टुडे, बढ़िया 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 बढ़िया। तो यहाँ पे अभी सारे कैटेगरी के सारे फर्स्ट बंदे लोग हैं, बहुत बढ़िया। तो गाइस तब जो भाई का बाइक टूटा था, भाई अभी कैसा लग रहा है? अभी ये मिल गया तो अच्छा लग रहा है। देखिए गाइस क्या लिखा है, फर्स्ट पोजीशन, कांग्रेचुलेशन भाई। थैंक यू। अभी डायरेक्ट अभी चेन्नई जाना पड़ेगा, चेन्नई जाके नाम रोशन करो आसाम का, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। तुम्हारा यहाँ पे बेस्ट लैप टाइम क्या था बोल दो एक बार? अभी तो 45 सेकंड हुआ है। और वो पहले का कितना था? पहले तो ऐसे ही था, उसी 44-45 उसी रेंज में था ना। यहाँ पे हाईएस्ट रिकॉर्ड कौन सा है? यहाँ पे सोसंग दा का है हाईएस्ट रिकॉर्ड, 41.8 और निंजा 400 ना। बहुत अच्छा लगा, बाकी नाम रोशन करो आसाम का, ठीक है, चलो भाई कांग्रेचुलेशन।